हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे इससे पहले ऑलरेडी जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपके पास इस तरह से ये इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई और मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज रखते हैं हम लोग मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ और मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगी एक फोर्स लगेगी प्रोवाइडेड ये चार्ज जो होना चाहिए रेस्ट में होना चाहिए ये चार्ज क्या है रेस्ट में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पे ही फोर्स लगती है देखिए इस पे जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको फोर्स लगेगी इस तरफ एफ ओके okay? अगर नेगेटिव है तो इसको फोर्स लगेगी इस तरफ एफ अब ये फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है ये फोर्स की वैल्यू होती है जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जितनी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके बराबर फोर्स लगेगी वैसे ही इस चार्ज को फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जितनी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्जेस हैं ये क्या होने चाहिए रेस्ट में स्टेशनरी चार्जेस पे ही फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमारे पास तीन फील्ड है ग्रेविटेशनल <laughs> फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है अगर कहीं पे कोई मास है अगर मास है तो हमें पता है कि जो मास है मास प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड मास प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड एक मास अपने आगे पीछे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को बिछाता है और उसमें अगर दूसरा मास आता है तो उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो मास ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे हमने देखा कि मास प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे ही अगर मैं एक रुके हुए चार्ज की बात करूं बोले तो ए स्टैटिक चार्ज अगर एक मैं स्टैटिक चार्ज लेता हूं तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आपके पास यहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज क्या होना चाहिए रेस्ट में तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और एंड होती हैं इनफिनिटी पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज क्या होना में होना चाहिए चाहिए रेस्ट रेस्ट में में अगर ये चार्ज है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगी इंफिनिटी पे अगर यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है आपके पास और नेगेटिव चार्ज भी क्या है रेस्ट तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड होगी रेडली इनवर्ड होगी इन्फिनिटी से आएंगी और यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें ध्यान से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे अब इसने क्या प्रोड्यूस किया है ये चार्ज भी क्या है रेस्ट में तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मान लो यहां पे आप लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हो जिसकी वैल्यू मान लो ई e नॉट है ई e नॉट एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हो और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हो आप लोग जिसकी वैल्यू है बी नॉट ये यहाँ पे लेके आ रहे हो मान लो मैं यहाँ पे क्या करके ले लेके आ रहा हूँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा हूँ यहां पे मैंने एक ई नाट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और बी नाट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो होगा क्या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगी स्टैटिक चार्ज पे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इंट्रेक्शन होगी तो यहां हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जर्ट कैन एग्जर्ट ए फोर्स किसके ऊपर ऑन ए स्टैटिक चार्ज एक रुके हुए चार्ज पे सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगी क्यों क्योंकि यार सिंपल सी बात है भाई कि जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है और रुका हुआ चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस कर रहा है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वही उसके साथ इंट्रेक्शन करेगी और यहां पे हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जर्ट ए फोर्स आने स्टैटिक चार्ज तो यहां से हमने ये एनालाइज किया कि एक स्टैटिक चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगेगी मतलब स्टैटिक चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको एक फोर्स लगेगी मगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी ये दो पॉइंट्स देखें इसके बाद देखेंगे अब चार्ज को अगर मूविंग चार्ज की बात करूं एक मैंने स्टैटिक चार्ज की बात करी अब अगर मैं मूविंग चार्ज की बात करता हूं तो अभी हमने देखा कि अगर एक स्टैटिक चार्ज है तो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और बाहर से अगर आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हो तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी इंट्रेक्शन होगी मान लो एक मूविंग चार्ज लेते हैं मान लीजिए एक आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू ये चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज को आपने किसी वेलोसिटी वी के साथ चलाया है यहां पे मान लो ये वी वेलोसिटी से चलाया तो एक जो मूविंग चार्ज होता है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग एक जो मूविंग चार्ज होता है प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में तो यहां पे ये जो चार्ज मूव कर रहा है तो इसने अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस की होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की होगी और अब आप लोग अगर यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आओगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आओगे मान लो ई e नॉट आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाई और बी नाट आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आए तो यहां पे जो दोनों हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज तो यहां पे आपने इस डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाई और इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई तो यहां पे आपने क्या एनालाइज किया कि बोथ ई नाट एंड बी नाट एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जर्ट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज क्यों क्योंकि ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करें तो दोनों में इंट्रैक्शन होगी यहां पर ठीक है तो दोनों में इंट्रैक्शन होगी तो अभी आपने देखा एक स्टैटिक चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और एक मूविंग चार्ज पे बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाती है और उसके बाद अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो अभी जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि एक करंट कैरिंग वायर की बात करता हूं अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर की बात करूं या एक कंडक्टर ले लूं जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही है मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारे पास यहाँ पे ये कोई कंडक्टर लिया आपने और ये कंडक्टर मान लीजिए कोई ए बी कंडक्टर लिया और इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में तो हमें बताया है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसकी सराउंडिंग में क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने देखा और उसकी वैल्यू कितनी है वो बायो बायोसव से देखा और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है वो राइट हैंड थम रूल से हमने देखा तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर सिर्फ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि हमें पता है को कोई भी कंडक्टर है अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसका नेट चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेट चार्ज कितना है जीरो चार्ज है ही नहीं चार्ज को सिर्फ चला रहे हो ना आप करंट का मतलब क्या है करंट करंट का मतलब क्या है? Of of रेट रेट ऑफ ऑफ फ्लो चार्ज चार्ज किस से चल रहा दैट इज मगर एक कंडक्टर कंडक्टर को को मैं पूरे अगर देखूं तो पूरे कंडक्टर का जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ पे अगर आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हो मान लो बी नाट आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आए तो यहां पे ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी ये क्या करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लेके आए कैन एग्जर्ट कैन एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर तो यहां पे आपने ये देखा कि अगर आपके पास एक स्टेशनरी चार्ज है स्टैटिक चार्ज है तो वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हो तो वो उस पर फोर्स लगाएगी और एक मूविंग चार्ज पे बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाती है और जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वहां पे जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चे जीरो सिर्फ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे इसके सराउंडिंग में जीरो क्यों जीरो जीरो होगी क्योंकि नेट चार्ज तो इसके ऊपर कितना है zero. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वही इसके साथ इंट्रेक्शन करेगी यहाँ पे तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहां पे फोर्स आने मूविंग चार्ज इन्हें मैग्नेटिक फील्ड अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज तो वहां पे उसको क्या लगेगा एक फोर्स लगेगी द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज ए फोर्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हेनरिक लॉरेंट ने हेनरिक लॉरेंट के मैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स भी बोलते हैं ठीक है अब देखें लॉरेंट ने क्या किया कि एक चार्ज लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी वी के साथ चलाया देखें ध्यान से पहले यहां पर हम सिचुएशन ड्रा करते हैं यहां पर हमारे पास मान लीजिए ये आपके पास एक टेबल आ गया यहां पे ये आपके पास आ गया जी एक टेबल इस तरह से थ्री डायमेंशन में हम लाएंगे यहाँ पे क्योंकि आपको डायरेक्शन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक टेबल और यहां पे हम लोग तीनों डायरेक्शन बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान लीजिए ये आपकी आ रही है एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव एक्स और इस तरफ आ जाएगा आपका ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन आ गई आपकी पॉजिटिव वाई और ये डायरेक्शन आ गई आपके पास नेगेटिव वाई और ये डायरेक्शन आ गई आपके पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन आ गई आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन थ्री डायमेंशन में हमने बनाने की यहां पे कोशिश की है अब देखें यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन क्या ली है? Y में यहाँ पे लग रही है।, ऐसी है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है हमने क्या किया एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे ले आए ये एक चार्ज है आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्यू लेके आए आप लोग यहाँ पे और इस चार्ज को आपने ना एक्स में फेंका ना वाई में फेंका ना जेड में फेंका आपने क्या किया इसको मैग्नेटिक फील्ड में देखिए इसको पहले 2D में अगर मैं यहां बनाता हूं तो मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में इस तरह से अगर आप लोग यहां देखें तो इस चीज को मैंने यहां बनाया है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहां पे वाई डायरेक्शन में तो यहां पे एक मूविंग चार्ज लेके आया मैं तो मूविंग चार्ज मान लो इस तरह से है एक चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसको आपने किसी एंगल पे फेंका मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो वो एंगल बना रहा है थीटा ये डायरेक्शन है अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की और इस चार्ज को वी विलास्टिक के साथ आपने किसी एंगल थीटा पे फेंका तो यहां पे ये जो चार्ज है जिसको आपने वी विलास्टी से फेंका तो यहां पे अगर मैं ड्रा करूंगा तो मान लो आपने ये इस डायरेक्शन में फेंका इस चार्ज को v वेलोसिटी के साथ और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है तो लॉरेंट ने क्या किया इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया बार बार और यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी से इसको फेंका मैग्नेटिक फील्ड की साथ उसने छेड़खानी की मैग्नेटिक फील्ड कम की ज्यादा की तो उसने ये एनालाइज किया कि इस जो ये चार्ज है इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रही है उसने ये एनालाइज किया कि जो फोर्स है एफ जो इस मूविंग चार्ज पे लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड पहला पॉइंट उसने ये देखा कि जो एफ है एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा मैग्नीच्यूड होगा जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट दूसरा उसने देखा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी और थर्ड इसने देखा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अब ये वी साइन थीटा क्या है इसको हम एनालाइज करेंगे विलास्टी का वो कंपोनेंट का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के देखिए यहाँ पे यहाँ पे ड्रा करने से पहले मैं टू में अगर आपको यहाँ पे समझाऊं देखिए मान लीजिए ये आपके पास आ गई एक्स डायरेक्शन और ये आपके पास आ गई वाई डायरेक्शन यहाँ वाई डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड टू डी प्लेन में बना रहा हूं यहाँ पे और मान लो जो चार्ज है आपने उस चार्ज को इस डायरेक्शन में वी विस्टिक से फेंका है किसके साथ फेंका है वी फेंकास्टी के साथ आपने यहाँ पे इसको थ्रो किया है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा अब खुद ही इमेजिन करें आप लोग अगर मान लो आप लोग ऐसे चलते हो ना एक्स में चलते हो ना वाई में चलते हो इसका मतलब क्या है कि आप जब यहां पहुंचे होंगे इसका मतलब है आप लोग इतना एक्स में होंगे इतना आपका विलासटी होगी एक्स में और इतनी विलासिटी होगी अगर आपकी वाई में तो यहां अगर आप लोग ध्यान दे हम क्या ना एक्स में चल रहे हैं ना वाई में चल रहे हैं तो मैंने इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए इस velocity के ये जो velocity के इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए एक कंपोनेंट ये बना दिया और एक कंपोनेंट ये बना दिया मैंने इन दोनों को बनाना जब मैं इन दोनों को बनाऊंगा तो मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है ये वी एक्स में इसकी विलासिटी और ये वी वाई में या मैं अकेला इसको बनाऊं वी को जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा तो ये इसके कंपोनेंट्स कर दिए इसके दो पार्ट्स कर दिए आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया दो हिस्से कर दिए दोनों को जोड़ दोगे दोबारा से v बन जाएगा तो यहां पे ये जो v sin theta v थीटा थीटा है है वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दें इसके मैं अगर दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट तो आएगा यहां पे इसको दूसरे कलर से देखते हैं हम लोग ये कंपोनेंट आया इसका एक और जब मतलब इतना ये इधर चला गया होगा वाई में और इतना ये में आ गया होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड से देखो ये एंगल 90 दिख रहा है तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये आपके पास होगा वी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा आपके पास वी साइन थीटा वी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों चीजें उसने एनालाइज की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी अलग अलग चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया और के अलग अलग डायरेक्शन में देखा और उसने एनालाइज किया परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब तीनों इन इक्वेश को अगर हम लोग कंबाइन करें कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा कॉन्स्टेंट ऑफ पोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे के एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा यहां पे के की वैल्यू कितनी होती है वन F आपके पास आ जाएगा एफ इजिकल टू क्यू बी साइन लगेगी मूविंग चार्ज पे जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद v के साथ अभी मैं यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा ये फोर्स इतनी फोर्स उस पर लग रही है उस फोर्स का आपने मैग्नीच्यूड निकाला है क्या निकाला है मैग्नीचूड निकाला है अब एक्चुअल में वो जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन होगी z में ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी उसकी डायरेक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में एनालाइज करेंगे उसकी उसकी डायरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छे से होनी चाहिए तो फॉर दर टाइमिंग आप ये सोचें कि इसकी जो फोर्स लग रही है इसको जेड डायरेक्शन में लग रही है तो यहाँ पे ध्यान दें तीनों परपेंडिकुलर हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वाई डायरेक्शन में है और जो विलासिटी है आपके पास एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो और जो फोर्स लग रही है वो जेड डायरेक्शन में तो तीनों यहां पे क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जैसे आपने ये फोर्स देखी फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है एफ इजिकल टू क्यू साइन थीटा मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड कर रही है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे वहां पे रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड और वहां पे विलास्टी, वो विलास्टी जो परपेंडिकुलर है किसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तो यहां पे अगर इसके मैं स्पेशल केस एनालाइज करूं स्पेशल केस स्पेशल केसेस में अगर हम लोग यहां पे देखें कि इसको अलग अलग एंगल पे अगर हम लोग फेंकते हैं और अलग अलग वैल्यूज देते हैं मान लो केस वन में अगर मैं यहां लिखता हूं कि केस वन में मैंने क्या किया इसकी विलासटी कितनी रखी जीरो मतलब ये रेस्ट में है जब विलास्टी जीरो है देन फोर्स कितनी लगेगी इस पे? जीरो जीरो जब चलाया ही नहीं और आपको ऐसे भी पता है कि जब चार्ज नहीं चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई फोर्स नहीं लगती मै क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है फिर उसको फोर्स लगती है तो उस टाइम पे इसके फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो एक स्टैटिक चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं स्टैटिक चार्ज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज फोर्स फील नहीं करेगा के सेकंड में अगर मैंने इसको जो विलॉसिटी दी विलॉसिटी वी की वैल्यू जो मैं इसको दे रहा हूं वो किसी जो एंगल ले रहा हूं यहां पर मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं इफ इक्वल टू जीरो बीच में है वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है जीरो डिग्री मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपके पास ये वाई डायरेक्शन में ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपके पास एक्स था और ये आपके पास जेड था तो यहाँ पे अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज ये रखा था आपने या तो अगर इसके अलावा फेंक दो तो जीरो डिग्री हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यही डायरेक्शन है और विलास्टी यही है या इसको इस तरह फेंको विलास्टी की ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिका वन एटी डिग्री एंगल हो गया तो हमें पता है यहाँ पे जो फोर्स लगती है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और हमें पता है कि जो साइन जीरो होता है वो जीरो के बराबर होता है और साइन वन एटी बी जीरो के बराबर होता है तो कहने का मतलब है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स अगर वो पैरल चल रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चल रहा है ये चार्ज वेलोसिटी वी के साथ तो एफ की वैल्यू होगी जीरो और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये जो पॉजिटिव चार्ज लिया आपने वो इस डायरेक्शन में चल रहा है वेलोसिटी के साथ तब भी फोर्स की वैल्यू जीरो होगी पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी लगेगी उस पर जीरो जीरो के बराबर होगी केस थर्ड केस थर्ड में अगर मैं देखता हूं यहां पे अगर हम लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री थीटा कितना है नाइनटी डिग्री आपने देखो ऑलरेडी लिखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के पोपेंडिकुलर है देखो ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स है और ये जेड है आप किसको किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो अब X डायरेक्शन में फेंक रहे हो यहीं पर फेंक रहे हो और ये ऑलरेडी इसके प्रोपोर्शनल है तो सारा का सारा आपने जोर इसी डायरेक्शन में लगा दिया तो उस टाइम पे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो यहां पे अगर वैल्यूज डाल के भी देखें हम लोग तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा थीटा अगर 90 है और हमें पता है जो 90 होता है वो तो हमारे पास वन के बराबर तो एफ की वैल्यू उस टाइम पे मैक्सिमम होगी के बराबर तो एक मूविंग चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसको फोर्स लगती है एफ इक्वल टू क्यूवीबी साइन थीटा के बराबर अब वो जो फोर्स लगती है वो किस किस पे डिपेंड करती है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पे और वो विलास्टी जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे वाले बच्चों को अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना है कि कितनी फोर्स लगती है बस ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए यहाँ पे या आपको इसकी डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लॉरेंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है और कितनी होती है ठीक है और पैरेलल में मूव करेगा तो जीरो

नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एनालाइज करेंगे